दोस्तों, बाबा राम रहीम एक ऐसा शख्स जो आज सभी की जुबान पे है, एक ऐसा शख्स जिसने अपने फायदे के लिए ना जाने कितनी लड़कियों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बाबा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गुरमीत राम रहीम एक ऐसा नाम जिसका इतिहास किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्हें एक संत के रूप में देखा जाता है। समाज सेवा से लेकर फिल्मों में सुपर हीरो तक वो सभी जगह नजर आ चुके हैं। यही वजह है कि वो अपने सत्संग से कम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। डेरा प्रमुख का बाइक और कारों को लेकर बहुत क्रेज है। उनके पास बेहद ही महंगी बाइक्स और कारें भी हैं। इसमें मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी से लेकर बड़ी बड़ी कई गाड़ियां मौजूद हैं। इन कारों को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करते हैं। डेरा प्रमुख की वेबसाइट के मुताबिक बाबा राम रहीम बेहद प्रतिभाशाली भी हैं। वे उम्दा शेफ, टेक्नोलॉजी डेवलपर, महिलावादी और वैश्विक शांति प्रचारक हैं। वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी माने जाते हैं, जो वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉटर पोलो सहित 32 खेल खेल सकते थे। डेरा के समर्थकों का कहना है कि बाबा राम रहीम के 6 म्यूजिक एल्बमों जैसे थैंक यू फॉर दैट, नेटवर्क, तेरा लव का, चश्मा यार का, इंसा, लव रब से और हाईवे लव चार्जर ने खूब धमाल मचाया था। MSG फिल्म में तो बाबा राम रहीम ने अपनी एक्टिंग का जौहर भी दिखा दिया था। इस मूवी में उन्होंने खुद म्यूजिक दिया था और इसके साथ ही प्रोड्यूस भी खुद किया था। बाबा राम रहीम अक्सर कुर्ता पजामा ही पहनते थे और उन्होंने खुद को गुरु ऑफ ब्लिंग घोषित कर रखा था। बाबा की वेबसाइट के मुताबिक वह वही ड्रेस पहनते हैं जिसका डिजाइन उन्होंने खुद तैयार किया है। अपनी फिल्म के लिए बाबा ने 100 से अधिक कॉस्ट्यूम बनाए थे, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की पोशाक को लेकर साल 2007 में खूब विवाद हुआ था। बाबा भारत के उन 36 लोगों में से हैं जिन्हें VVIP का दर्जा दिया गया था और Z लेवल की सिक्योरिटी भी मुहैया कराई गई थी। बाबा पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी दर्ज है। डेरा में ये कहकर साधुओं को नपुंसक बनाया गया था कि नपुंसक बनाए जाने से वे लोग डेरा प्रमुख के जरिए प्रभु को महसूस कर सकेंगे। यही नहीं, डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। देश में डेरा के कई आश्रम हैं और उनकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और UAE तक भी फैली हुई हैं। जानकारी के मुताबिक डेरा प्रमुख पर यह भी आरोप है कि वो अपने आश्रम में निजी सेना को प्रशिक्षण देते रहते हैं। बाबा के फेसबुक पर 6,83,000 फॉलोअर्स हैं और यही नहीं, ट्विटर पर भी बाबा के करीब 3.74 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पिताजी माफी, पिताजी माफी, बाबा अक्सर इसका प्रयोग किया करते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये शब्द आखिर किस लिए प्रयोग किया जाता होगा? दोस्तों, ये एक सीक्रेट कोड था जो कि रेप करने के लिए बाबा द्वारा प्रयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, बाबा ऐसे कई सीक्रेट कोड यूज करते थे। ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ को भड़काने के लिए बाबा ने एक कोड का इस्तेमाल किया था, पौधे भेजो। इसका मतलब था कि अगर बाबा को कोर्ट दोषी घोषित कर देता है तो उसके फॉलोअर्स बिना कुछ सोचे हमला शुरू कर दे, जो कि हुआ भी। ना जाने कितने निर्दोषों की जानें चली गईं। क्या यही होता है एक बाबा जो अपने फायदे के लिए किसी भी निर्दोष की जान ले ले, किसी का भी रेप कर दे? क्या इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति? दोस्तों, ऐसे बाबा भारत में भरे पड़े हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप भगवान को मानते हैं तो सिर्फ उनकी ही पूजा करें, इन बाबाओं को भगवान न बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस आपको इस पे मिलती रहेंगी।